नमन गुरु को है, वास्तविक गुरु को है। कौन से गुरु? बोले जो तमसो मा ज्योतिर्गमया, वेद सूत्र है, जो अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर जाए, जो हमारे अज्ञान रूपी तिमिर को नष्ट करके ज्ञान रूपी दीप प्रज्वलित करे। भागवत में अनेक गुरु शिष्यों की कथाएं हैं और मैं ये कोशिश करूंगा कि भागवत की उन गुरु शिष्य की कथाओं पर मैं फोकस करूं। प्रॉब्लम एक है आज के युग में, हम जानते हैं क्या सोचते हैं, हम ऐसा सोचते हैं कि हम जैसे ही दीक्षा लेंगे हमें दूसरे दिन भगवान मिल जाएगा, या तो उसी दिन मिल जाना चाहिए था, थोड़ा बहुत पाप किए होंगे तो नेक्स्ट डे वो मिल जाएगा, am I right? और हम ये सोचते हैं हमको तो मिल ही जाना चाहिए, हमसे बेटर शिष्य तो कोई है ही नहीं, हमसे बेटर बड़ा भक्त, हमसे अच्छा भक्त कौन है, हम तो जिस दिन जन्म हमारा हुआ तो उसी दिन हम बढ़िया हो गए थे। देखो ये ही अज्ञान है, दूसरों को मूर्ख समझना और अपने आप को बुद्धिजीवी समझना, ये सबसे बड़ी मूर्खता है। और आज यही हम कर रहे हैं। हमारे गुरु शिष्य परंपरा को या हमने जब दीक्षा ली है उस भाव को, भागवत में अनेकों गुरु शिष्य हैं, अनेकों। भागवत प्रारंभ ही होती है इस परंपरा से। शिष्य कौन? बोले जो जानना चाहे, जो कुछ समझना चाहे, जो वाकई जानना चाहता, जिसके मन में प्रश्न है, उन प्रश्नों के उत्तर देने वाला गुरु है और प्रश्न करने वाला शिष्य है। भागवत प्रारंभ ही कहां से होती है? नैमिषारण्य से। नैमिषे सूतमासीन मविवाग महामतिम कथामृतः रसास्वादः कुशलो सौनको ब्रवीत। नैमिषारण्य में सौनकादिक ऋषि विराजमान हैं, सूत जी महाराज को आया हुआ देखकर उनका हृदय बड़ा प्रसन्न हुआ और हृदय जब प्रसन्न हुआ तो उन्होंने उनको नमन किया। अब कान में मंत्र नहीं फूंका है वो तो फिर और भी बड़ी बात हो जाएगी, कान वाले गुरु जी तो और भी बड़े हैं, ये तो अभी श्रवण वाले दूर से बैठकर प्रश्न जिज्ञासा अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। कई लोग हमसे कहते बोले महाराज जी आपकी कथा हमने सुनी है तो हमको कृष्ण के कृष्ण का रूप थोड़ा, कृष्ण का स्वभाव थोड़ा, या कृष्ण के विषय में हमें थोड़ा जानकारी मिली। जो भगवान के विषय में तुम्हें बताए, जो भगवान से तुम्हें प्रेम कराए, जो भगवान की राह पर तुमको लेकर जाए, वही तो गुरु है। अब हम लोग तो गुरु उनको भी मानते हैं जो स्कूल में टीचर्स वगैरह होते हैं, कॉलेजेस में होते हैं, लेकिन वो गुरु नहीं, गुरु हैं, जगह वही है, पर वो सिर्फ पहले गुरु कौन? माँ, दूसरा गुरु पिता, तीसरे गुरु टीचर, हम लोग तो बहुत बाद में आते हैं, लेकिन माता पिता टीचर सिखाते क्या हैं? बोले दुनिया का ही गोल बनाते हैं, मम्मी को ले लो, पापा को ले लो, टीचर को ले लो, ये सारा घोल बनाते हैं दुनिया का। मम्मी सिखाती है ये तेरे ये हैं, पापा बताते हैं देखो ऐसे जीना चाहिए, और टीचर सिखाते ऐसे रहोगे तो तुम कुछ कमा सकोगे। ये त्रिवेणी संगम है, एक रिश्ता बताता है, एक रिश्तों को निभाना सिखाता है और एक नोट कमाना सिखाता है, लेकिन गुरु इन तीनों में से कुछ नहीं करते। गुरु बोले जिसने ये सब कुछ दिया है उसी का ज्ञान करा देता है। इन तीनों को जिसने इन तीनों को दिया उसी को मिलाता है, जो यहां के अंधकार को मिटा देता है, एकदम छाट देता है। अंधेरे में रस्सी सांप लगती है, सांप रस्सी लगता है, राइट? अंधेरा हो, रस्सी पड़ी हो, डर जाते हैं, क्या सांप है? अरे भाई थोड़ा प्रकाश करो, रस्सी है।
तो जब तक मन में अंधकार रहता है तब तक ये संसार ही हमको रस्सी दिखाई पड़ता है, सांप नहीं बल्कि सांप है। काल व्याल मुखग्रास, क्या है संसार? सांप है, खा रहा है। एवरी सेकेंड आपको मृत्यु के ग्रास बनाने की तैयारी कर रहा है, आपको मौत के काल के गाल में ले जा रहा है। आप कहते हो हम इतने साल के हो गए, सच यह है कि अब तुम्हारे पास उतने साल नहीं रहे, जितने के हो गए वो खत्म। तो मृत्यु के करीब ले जा रहा है। इस मृत्यु से छुटकारा दिलाने वाले को गुरु कहते हैं। अपने आप को पहचानो, तुम्हें निज रूप का पहचान कराने वाले को गुरु कहते हैं, तुम्हें हरि से मिलाने वाले को गुरु कहते हैं, तुम्हें संसार से वैरागी बना देने वाले को गुरु कहते हैं। और ऐसे गुरु के चरणों में हम सत सत नमन करते हैं, कोटि कोटि नमन करते हैं। चिंतामणिर लोक सुखम श्रुद्रु स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। आखिर गुरु कृपा से मिलता क्या है? ये भागवत का श्लोक है, मेरा खुद का बनाया हुआ नहीं है। देखो शिष्य तो हमारे लाखों हैं, लेकिन 100% जो डेडिकेशन वाले लोग हैं वो लाखों नहीं हैं। जो अपने गुरु की एक आवाज पर अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार हो, ऐसे लाखों नहीं हैं, वो तो गिने चुने ही होंगे। और हमारे ही नहीं, इस ब्रह्मांड में अनेकों गुरु हैं, अनेकों गुरुओं के अनेकों शिष्य हैं, लेकिन उन शिष्यों में भी समर्पण नहीं है उतना जितना होना चाहिए। और यही एक कमी हमको भगवान से दूर रखती है। ठीक वैसे ही समझो जैसे तुम्हारा बेटा है, जवान हो गया है और तुम पे भरोसा नहीं करता, तो बताओ तुम्हारी हालत क्या होगी? बोलो जल्दी बोलो, क्या होगी, अच्छी या बुरी? ऑब्वियसली हमने पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, हमें क्या दिया? पत्नी को लेके अलग हो गया। तो अब बताओ बेटा ना लायक है कि गुरु पिताजी ना लायक है? कौन ना लायक है बोलो, जोर से बोलो। पिता तो कितना भी बुरा हो तो भी पुत्र को छोड़ना नहीं चाहिए अपने पिता को, कितना भी। ये धर्म है, ये न्याय है, ये संगति है, समझना। तो हमें गुरु क्या देते हैं? बोले देखो चिंतामणि अगर मिल भी जाए तो लौकिक वस्तु दे सकती है, इवन कल्प वृक्ष भी मिल जाए, कल्प वृक्ष अगर कहीं मिल भी गया तो वो हमें स्वर्ग की संपत्ति दे सकता है, स्वर्ग की संपदा दे सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन गुरु कृपा अगर हो जाए तो प्रच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। अगर गुरुदेव कृपा कर दे, अगर उनकी कृपा हम पर हो जाए तो जो योगियों के लिए दुर्लभ है वैकुंठ, गोविंद का धाम और गोविंद के चरणों की रज, वो हमें प्राप्त करा देते हैं मात्र गुरुदेव की कृपा। गुरुदेव अगर कृपा कर दें तो असंभव कुछ नहीं है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। बस गुरु यहां से कहें, यहां से नहीं। और ध्यान रखना, यहां से गुरु तब कहते हैं जब पात्र को देखते हैं, कुपात्र को नहीं कहते। कुपात्र को कभी गुरु जी यहां से, वो कहे गुरु जी हमें भगवान मिला, मिल जाएगा बेटा जा। किया क्या है भगवान से मिलने लायक? प्याज छोड़ा नहीं, लहसुन छोड़ा नहीं, मीट छोड़ा नहीं, शराब छोड़ी नहीं, जुआ छोड़ा नहीं, औंधे सुलटे काम करते रहे। गुरु ने कहा शुद्ध बनो, हम अशुद्ध ही रहे। गुरु के सामने गए तो तिलक लगा के पहुंच गए कि इससे गुरु जी को लगे हम बेस्ट शिष्य हैं।
तुमको क्या लगता है गुरु तुम्हें तो तभी देख रहे हैं जब तुम गुरु के सामने आश्रम में जाकर बैठे, गुरु तुम्हें तब भी देख रहे थे जब तुम मदिरालय में जाकर बैठे, अगर गुरु गुरु है तो। अगर गुरु गुरु है तो वहां भी देख रहा है। तुम गुरु और गोविंद से छिपा सको ऐसे तुम्हारे पास कोई पर्दा नहीं है। बोले फिर गुरु जी हमें बताते क्यों नहीं? बोले इसलिए नहीं बताते, बोले जानते तू पर्दा करता है तो चल मेरा भी कुछ पर्दा है। कई बेशर्मी वाली बात मम्मी पापा बच्चों से नहीं करते ना, जबकि पता है बच्चा बेशर्म हो चुका है, उसमें भी पर्दा रखते हैं तो गुरु जी भी रख लेते हैं पर्दा।